ये सब कौन सी माइंड से अंदर आए? तीसरी माइंड से। मत जा बेटा, मत जा, मेरी बात सुन जा। सब कुछ लुट जाएगा, तेरे पाँव पकड़ता रहे, सब कुछ डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जंग खत्म हो गई, कोई दुश्मन नहीं बचा। अब कहाँ जा रहा है वो? अभी एक जिंदा है ना? एक गांव की कहानी सुनाती हूँ। एक बार उस गांव में कुछ लुटेरे आए, उन्होंने एक घर का कब्जा किया। गली के लोगों ने कुछ नहीं किया, बिकॉज इट वॉज नॉट देयर प्रॉब्लम। फिर उन्होंने गली का कब्जा किया, गांव वालों ने कुछ नहीं किया, बिकॉज इट वॉज नॉट देयर प्रॉब्लम। फिर उन लुटेरों ने पूरे गांव का कब्जा किया। उन कब्जा करने वालों को ब्रिटिशर्स कहते हैं, और उस गांव को इंडिया इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कहकर छोड़ दिया। दैट इज व्हाई दे रूल्ड ओवर अस फॉर 250 years। यू सी, सबका ध्यान तेजी से घूम रही लट्टू पर ही था, लेकिन उसे घुमा रही डोर पर किसी का ध्यान नहीं था। देयर वाज अ मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल दिस, and Rocky was going to get rid of that mastermind. आज भी कोई एक ऐसा आया है जो पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। But I will not allow him to prevail, because I am going to make it my problem. अगर मेरे एक दस्तखत से हम उसे कब्जे में ले सकते हैं, तो फिर आज मैं प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। सूर्यवर्धन ने केजीएफ को जिस वक्त गरुड़ा के हाथ में दिया, उसी वक्त उस अनजान हाथ की साजिश शुरू हो गई। लोग समझे थे अधीरा ने गरुड़ा पे अटैक किया, लेकिन उसके पीछे यही हाथ था। गरुड़ा ने अधीरा पे अटैक किया और अधीरा बच गया, उसके पीछे भी यही हाथ था। रॉकी ने केजीएफ को अपने कंट्रोल में लिया, इसलिए अधीरा को बुलाने वाला, अधीरा को तीसरा माइंड दिखाने वाला भी यही हाथ था। माइंड नंबर 3 को ओपन हुए 30 साल हो गए। दिल्ली से कॉल है। दिल्ली में पावर गिराने वाला, शेट्टी को इनायत खलील की तरफ झुकाने वाला हाथ भी यही था। रॉकी को केजीएफ का रास्ता दिखाने वाला हाथ भी यही था। हाथी को जो मार सकता है वो बंबई में है। रॉकी, रॉकी अब उसी हाथ को काटने गया है। Person who could bring down KGF, and that was Rocky himself.